हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कविवर दुष्यंत की बात तो सभी मान रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर निगम रीवा की। यहाँ पर चाय के प्याले में तूफान नहीं, सचमुच में तूफान आया हुआ है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सभी कह रहे हैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन हकीकत में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हो रहा है। नगर निगम रीवा इस समय तीन खेमों में साफ तौर से बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कर्मचारी कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ लामबंद हैं, तो कांग्रेसी भाजपा और कर्मचारियों के खिलाफ। हंगामे की शुरुआत गौ मास को लेकर हुई थी, जिसमें कुछ कर्मचारी अधिकारी निलंबित भी हुए थे। सबने सोचा था निलंबन के बाद मामला थम जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पेट्रोल में माचिस की तीली की तरह भड़की चिंगारी थमने का नाम नहीं ले रही है। गौ मांस का यह विवाद वक्त के साथ अधिकारी कर्मचारियों और कांग्रेस पार्षद दल के साथ हो गया। कांग्रेसी पार्षदों का यह मानना है यह सब भाजपा कर्मचारियों को आगे रखकर कर रही है। वहीं कर्मचारी पहले नेता प्रतिपक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगाकर उनको आवंटित कक्ष पर कब्जा जमा बैठे। वहीं निगम महापौर नियम कानून का हवाला देते हुए सभी काम नियम से करने की बात कह रही हैं। ऐसा ही कुछ सोचना है परिषद अध्यक्ष का। आइए चलते हैं नगर निगम रीवा की चार महीने बाद हो रही परिषद बैठक में और आपको दिखाते हैं वहां का नज़ारा। परिषद की मीटिंग है सर, वो लोग भी आए हुए हैं, ये लोग ज्ञापन देने आए थे, वहाँ हो गया, ये लोग फिर वहाँ जाना चाहते हैं, दोनों पक्षों में कोई भी एक व्यक्ति भी आमने सामने होकर लड़ाई झगड़ा कर नहीं देगी, आपस में लड़ाई झगड़ा फिर मुकदमा का ये नहीं होगा। एक पक्ष तो दूसरा पक्ष सबका सम्मेलन चल रहा था, ये हंगामा हो रहा है, आए दिन की बात हो गई है। नहीं, कोई हंगामा नहीं, परिषद बड़े शांति से चली है। कांग्रेस के लोग आए तो उन्होंने वॉकआउट किया और चले गए। तो आपको लगता है कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा? बहुमत से सब पास हो गए। कर्मचारियों द्वारा आपको स्वागत किया गया और ये कहा गया कि आप उनके समर्थन में? नहीं, मैं जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैंने पूछा कि आप लोग क्यों एकत्रित हो गए। उन्होंने बताया कि मुझे सातवां वेतन मान चाहिए, तो मैंने कहा शासन का नियम, आपको सातवां वेतन आज पास होगा, सातवां वेतन पर उसको। आज परिषद का सम्मेलन हुआ है, जिसमें जो हमारे प्रस्तावित एजेंडे थे वो बहुमत से सभी पास हो गए हैं, और अतिरिक्त दो एजेंडा जो अध्यक्ष की अनुमति से आए थे वे भी पास कर दिए गए। मैं आते ही मैंने इस बात के लिए जानकारी ली है कि ये सब क्यों जमा है, तो इन लोगों का कहना था कि हम सातवां वेतन मान के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने इस बात को कहा भी है इन कर्मचारियों से कि जब हमने MIC से कर लिया है तो परिषद से भी पास हो जाएगा, पर हो गया, ये उनका उत्साह था, एकत्रित हुए थे। हमारा पुलिस विभाग लगे हुए हैं, सब हम लोग शांति बनाए हुए हैं, लेकिन आदरणीय मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी संगठन हम लोग राजनीति दल के लोग नहीं हैं, हम लोग कर्मचारी यूनियन हैं, हम लोग राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमने यह था कि आज कर्मचारियों ने अपना कोई आंदोलन किया,
लेकर के सारे कर्मचारी के लोग इकट्ठे हुए थे। और दूसरा, नगर निगम में कुछ दिन पहले विवाद हुआ था कर्मचारी और बाहरों के बीच, उसमें गिरफ्तारी को लेकर के लोग इकट्ठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे। उधर कांग्रेस के लोग भी इकट्ठे हो गए थे, वो लोग भी कर्मचारियों के खिलाफ गाय के मामले को लेकर के कार्रवाई को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वो लोग शाम के सामने आ गए थे, बीच में पुलिस घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे भी परिषद का रूल है कम से कम 15 से 20 दिन में शहर की समस्याओं के लिए परिषद हर हाल में होनी चाहिए। अप्रैल के बाद सितंबर में परिषद की बैठक हुई, इसमें क्या आज परिषद की बैठक पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया कांग्रेसी पार्षद के द्वारा। हमारा तो, हम तो निर्दलीय हैं, हमारा कोई नहीं, हम तो गए बैठे रहे, अपनी जो हमारी मांगे थी तो मैं रखी भी अपनी मांगे। हमारा ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि हमको आइए ऑफिस में ज्ञापन सौंपा जाना था, तो ये संयोग था कि 11 तारीख के परिषद की बैठक तक गई और 11 हमारी डेट तक गई, तो हम लोग को एक शांतपूर्ण ढंग से अपने यहाँ पर एक सभा किए हैं। सभा के बाद आइए बहुत ज्ञापन सौंपे हैं और जो तथाकथित जो अपराधी पार्षद थे वो कुछ अपने साथ लोगों को लेके आए, जो हैं अवस्था फैलाना चाहते थे, पर अब पुलिस प्रशासन भी अच्छा सहयोग किया, उन्होंने बात को समझा विवाद और न हो, उन्होंने अच्छा सहयोग किया, हम लोगों ने उनका सहयोग किया। सातवें वेतनमान की मांग आपकी पूरी हो गई क्या? सातवें वेतनमान का तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पास कर दिया था, आज परिषद ने पास कर दिया है, परिषद को भी धन्यवाद है कि रीवा की जनता की लड़ाई के लिए, रीवा के विकास के लिए ये फर्जी बातें जो हो रही हैं वो बातें हम नहीं होने देंगे। आज रीवा की 70% सड़कें ऐसी हो गई हैं जिसमें आदमी चल नहीं सकता, साइकिल नहीं चल सकती, लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, कैसा विकास है? पूरा का पूरा ऑडिटोरियम आपने बेच दिया, पूरा का पूरा आपने सीवरेज सिस्टम को बेच दिया, पूरे नगर निगम को गिरवी कर दिया, चाहे आवास योजना हो चाहे जिस पे हो। हम कांग्रेस पार्षद, हमारे साथी, हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आवाज़ उठाना शुरू किए तो हम लोगों के ऊपर फर्जी प्रकरण दर्ज कराया गया। आज नगर निगम परिसर में हमारा आज विशेष महत्वपूर्ण एजेंडा था, 11:30 बजे हम लोग पहुँचे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि परिषद एक्यूरेट टाइम पे चालू हो गई, नहीं हमेशा आपने देखा होगा कि परिषद आधे घंटे पौन घंटे बाद चालू होती है। हम लोग ज़मीन में बैठ गए, हम लोगों का अपना एजेंडा गाय का था और जैसे ही हम लोगों ने बोला तो परिषद अध्यक्ष ने 20 मिनट का स्थगित की बैठक, इसके बाद एक घंटे तक वो नहीं आए, हम लोगों ने परिषद का बहिष्कार कर दिया और परिषद का बहिष्कार करने के बाद हम लोग चले आए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हुआ,